आज बनाएंगे डंठल की सब्जी। डंठल जो गोभी के डंठल होते हैं ना, उसको आज मैं फेंक नहीं रही हूँ। उसके दो तरीके से सब्जी बनाना बताऊंगी, एक पंजाबी स्टाइल में बना रही हूँ और एक जो मैं कभी कभार बनाती हूँ जब घर में कोई गेस्ट आ रहे होते हैं। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, सरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। डंठल की सब्जी बनाने के लिए देखिए, मैंने डंठल जो लिए ना, ये गोभी के होते हैं। तो गोभी अगर ज़्यादा लाए तो उसमें से भी निकल आते हैं, और या फिर डंठल जो है विंटर के टाइम में अलग से भी मार्केट में बिकते हैं। तो इस सब्जी को मैं बना रही हूँ 250 ग्राम डंठल से। तो देखिए, डंठल मैंने ले लिया है। अब इसको ना हम छील लेंगे। ये जो ऊपर का आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये हटा देंगे इस वाली रेसिपी में ना, इसको बिल्कुल हटा देंगे। जो अंदर सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना, बस वो ही लेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया है, इनको मैंने रफ रफ काट लिया है। काटने के बाद अब इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, मिक्सी का जार ले, इसमें डाल दें डंठल को, साथ में थोड़ा सा अदरक, एक दो हरी मिर्च और थोड़ा सा ही धनिया डालना है, जिससे फ्लेवर और टेस्ट वगैरह बढ़ जाएगा। तो इसको पीसना है, तो इसको पीसते वक्त कम से कम पानी डालना है। तो मैंने ना 2 चम्मच के करीब बस डाला है, और बिल्कुल फाइन पीस कर इसको ले लेंगे। अभी रख देते हैं एक साइड में, और अब बनाते हैं सब्जी के लिए मसाला। तो मिक्सी के जार में डालेंगे थोड़ा सा लहसुन डाला है, थोड़ा अदरक, और एक प्याज मैंने लिया था, मोटा मोटा काट के डाल देना। साथ में टमाटर, तो एक बड़े साइज का टमाटर था, छोटे हों तो 2 ले लेना। इसको डालकर बिल्कुल फाइन पीस लेना है। अब बनाना शुरू करते हैं सब्जी को। तो ये जो हमने पीसा है ना डंठल, इसमें से 2 से 3 चम्मच के करीब अलग निकाल कर अभी रख देंगे। इसका यूज़ हम करेंगे बाद में। तो अब इसमें मिलाते हैं मसाले। तो मसालों में नमक डाल लेना, जितना हमारा मिक्सचर है ना उस हिसाब से। साथ में डाल लेना है हल्की सी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर आधी चम्मच डाला है मैंने, थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे। अब इसमें डालना है बेसन, तो आधा कप मैंने बेसन लिया है। तो बेसन इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाना। तो देखिए, जितना आपने पीसते वक्त डंठल को पानी डाला होगा ना, उस हिसाब से बेसन इसमें डालना पड़ेगा। तो पानी कम डालना है तो बेसन भी कम लगेगा। तो देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है, आधा कप बेसन इसमें लग गया है। तो ऐसा मिक्सचर आपने बनाना है, इससे टाइट भी नहीं करना, और इससे ढीला होगा ना तो हाथ में चिपकेगा। अब ये मैंने ले लिया है पनीर, छोटे छोटे से पीस काट कर लिए हैं। पनीर नहीं है तो स्किप कर देना। तो अब क्या करेंगे, हाथ में ऑयल लगाकर छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है, और इसके अंदर रखना है एक एक पनीर का पीस। इससे ये और भी हेल्दी हो जाएगी सब्जी, टेस्ट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से बना बना कर अभी प्लेट पर रखते जाना है। कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया, 2-3 चम्मच के करीब। अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा और 2-3 लौंग डाल लेना। ये क्रैकल हो गया जीरा, तो इसमें डाल देंगे मसाला, जो टमाटर प्याज वगैरह पीस के रखे ना वो डाल देंगे। इनको हमने भूनना है। तो ये देखिए, अब ये टमाटर प्याज जो हैं ये भून गए हैं। तो इसमें डाल लेते हैं अब हम मसाले। सूखे मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, देखिए, हल्दी थोड़ी सी डाल दी है, पिसा धनिया आधी चम्मच के करीब, और अपने स्वाद के अनुसार आप डालना। रेड चिली मैंने आधी चम्मच डाला है। आमचूर पाउडर भी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। और अब नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। मसाले भी भुन गए, देखिए साइड से ऑयल सेपरेट होने लग गया ना। तो इस समय जो हमने डंठल पीसे थे उसका मसाला रखा ना, ये अलग थोड़ा सा इसको भी डाल देंगे। इसको डालकर भी हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पानी, जितनी ग्रेवी चाहिए ना उतना पानी डालना। अभी मैंने 1 गिलास डाल दिया है, और बॉईल भी आ गया है, तो गैस बिल्कुल लो करके इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये दूध वाली जाली। ये देखे, ये सबके घरों में होती है। इस पर थोड़ा सा ना मैं ब्रश से ऑयल लगा रही हूँ, और अब इसके ऊपर जो बॉल्स बनाई थी ना वो रखते जाएंगे। तो वैसे आप इन बॉल्स को वैसे अलग से स्टीम भी कर सकते हो, या फिर आप फ्राई करना चाहते हो ना तो फ्राई भी कर सकते हो। अब ये रखने के बाद इसको कवर कर देंगे 6-7 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पर गैस को रखेंगे। 6-7 मिनट के बाद देखिए आप, ये जो हमारी बॉल्स हैं डंठल की बनाई हैं, ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई हैं, सूख गई हैं, गीली भी नहीं है, अंदर से स्टीम भी हो चुकी हैं। ये देखिए नीचे भी नहीं चिपकी हुई हैं।
तो अभी इनको हटा देते हैं और ये देख लेते हैं नीचे जो हमारा मसाला है ना इसमें थोड़ा पानी जाएगा। तो गुनगुना पानी यानी ल्यूक वार्म वाटर में इसमें डाल लीजिए, जितनी ग्रेवी बनानी हो वो डाल लेना। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रख रही हूँ, तो एक गिलास के करीब तब भी पानी इसमें चला गया है, बॉयल आ गया है, तो इसमें डाल देंगे इन बॉल्स को। अब इसे कवर कर देंगे 3-4 मिनट के लिए, जिससे सारे मसाले जो हैं इन बॉल्स में अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये देखिए आप, 3-4 मिनट के बाद देखिए आप सब्जी तैयार है। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया, गरम मसाला, सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको चाहे तो पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, सबके साथ बहुत टेस्टी लगती है। चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे कभी गेस्ट आए तो बना सकते हो, वैसे भी घर पर बना सकते हो। ये बहुत हेल्दी है और बच्चे इसको खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता ये किस चीज़ से बनी हुई है। अब बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में डंठल की सब्जी। तो देखिए इस स्टाइल में मैं डंठल की सब्जी ज़्यादातर बनाती हूँ, कभी कभार चेंज के लिए जो पहले तरीका बताया ना उस तरीके से भी बना लेती हूँ। तो ये मैंने आधा किलो डंठल लिए हैं, इसको आपने छीलना नहीं है, बस ऐसे ही काटना है। सेंटर से पकड़ के आप इसको काट लेना, दो पीस कर लेना, या फिर बहुत मोटा डंठल है तो चार भी कर सकती हूँ। कहीं कोई गंद वगैरह लगा है तो नाइफ से हटा देना, फिर इसको कर लेना वॉश। वॉश करने के बाद अब बनाते हैं इसके लिए एक सूखा मसाला। तो ये मैंने पैन रख लिया है गैस पे, इस पे 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1 मोटी इलायची और 2 मैंने साबुत सूखी हुई लाल मिर्च ली है, तोड़ कर डाल देंगे। इनको हमने ना ड्राई रोस्ट करना है। थोड़ा सा रोस्ट होने से मसालों का फ्लेवर अच्छा आएगा और आराम से पीस जाएंगे। तो ये मसाला जो बनेगा ना सब्जी का बहुत टेस्ट बढ़ा देगा। तो जब ये मसाले ठंडे होंगे ना तो इसको पीस लेंगे, हल्का दरदरा पीसना है। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इस सब्जी को मैं कुकर में बना रही हूँ, 2-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल को गर्म करके ले लिया इसमें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर और गार्लिक को फाइन चॉप करके, 6-7 कलियाँ गार्लिक की थी, 1 टुकड़ा 1 इंच का होगा अदरक का, उसको चॉप करके लिया हुआ है। इसको पहले मैं भून रही हूँ और अब इसमें डाल लेंगे प्याज। तो 2 प्याज को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके लिया है, तो इसको भी डाल देंगे, इसको भी हमने भूनना है। तो अब ये भी भून गया है, तो इसमें सूखे मसाले डाल लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी जाएगी, नमक स्वाद के अनुसार जाएगा। तो अब मैं मिर्ची में डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, तो आप दूसरी भी डाल सकते हो, 1/2 चम्मच से 1 चम्मच तक मैंने डाल दी है। और जो मसाला हमने भुना था ना उसको मैंने पीस के ले लिया है, तो ये मैं आधा डाल रही हूँ, ये ज़्यादा है, आधा आप रख सकते हो, नेक्स्ट टाइम आप कोई भी सब्जी बनाओगे ना उसमें ये चला जाएगा। तो ये सब्जी का स्वाद ही बढ़ाता है। मसाले भुन गए हैं तो इसमें अब जाएगा टमाटर, 2 टमाटर पीस के इसमें डाल लेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं होता। तो देखिए आप टमाटर भुन गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है, तो इसमें डालना है डंठल को। डंठल को इसमें डालकर भी हमने 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर ज़रूर भूनना है, जिससे कि डंठल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से भूनने से ना सब्जी का स्वाद भी बढ़ता है और ये सब्जी तो इतनी टेस्टी बनती है, ऐसे लगता है जैसे नॉनवेज खा रहे हो, इतना टेस्टी बनेगा। अब ये भून लिए तो इसमें 1 कटोरी तक आप पानी जरूर डाल देना और कुकर को बंद कर देना। और अब इसमें मैं लगवा रही हूँ 3 विसल, 3 सीटियाँ हाई फ्लेम पर। अगर आपके डंठल बहुत हार्ड है तो आप 1 सीटी ज़्यादा भी लगवा सकते हो। अब कुकर ठंडा हो गया है तो इसको खोल लेते हैं। खोल करना नाइफ से पहले चेक करना है कि गले हैं कि नहीं, तो ये जो डंठल है बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और ये डंठल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब सब्जी को मैंने सर्व कर लिया है। तो ये सब्जी को चाहे आप रोटी के साथ खाएं, चाहे पराठों के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए आज मैंने 2 तरीके से बनाई है डंठल की सब्जी। आप बताना कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, या आप घर पर किस तरीके से डंठल की सब्जी बनाते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।